Hello students, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रीम एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्ट्रीम्स दरअसल हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को कहा जाता है, जहां पर आपको याद होगा कि 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, और ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन में वो यूनिट्स होते हैं जिनमें हमारा डाटा जो है वो सेव किया जाता है। तो उन बिट्स के कम्बिनेशन से मिलके हमारे पास बाइट बनता है, और इन्हीं सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को यानी एक के बाद एक हमारे पास जो बाइट होती है इनका एक सीक्वेंस बन जाता है, और इसी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को फिर हम लोग नाम देते हैं स्ट्रीम का। स्ट्रीम की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, हमारे पास इनपुट स्ट्रीम भी हो सकती है और आउटपुट स्ट्रीम भी हो सकती है। इनपुट स्ट्रीम से हमारी मुराद ये है कि जब कभी भी हम लोग सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को एज इनपुट रिसीव कर रहे होंगे तो उनको हम लोग इनपुट स्ट्रीम का नाम देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम लोग कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो ये जो की हमने प्रेस की है इस की के पीछे हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जनरेट होंगे, और वो बाइट्स हमारे कहाँ जाएंगे, सीपीयू के पास। तो ये हम लोग नंबर ऑफ बाइट्स को एज इनपुट भेज रहे हैं अपने प्रोसेसर की तरफ। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने फाइल से कोई चीज रीड कर रहे हैं, या इसी तरह हम लोग नेटवर्क पर या इंटरनेट के थ्रू कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो जो फाइल या कोई इमेज या कोई वीडियो जो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो भी बाइट्स की शक्ल में, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की शक्ल में हमारे कंप्यूटर तक आती है और उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये तमाम जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जो हम लोग इनपुट के तौर पर रिसीव करते हैं अपने प्रोसेसर के अंदर, इनको नाम दिया जाता है इनपुट स्ट्रीम का। तो यहां पर हमने इनपुट स्ट्रीम को डिफाइन किया सीक्वेंस ऑफ बाइट्स फ्रॉम कीबोर्ड, फाइल और नेटवर्क। यानी कोई भी हमारे पास सोर्स के थ्रू, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को जनरेट कर रही है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को पैदा कर रही है और हमारे पास भेज रही है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं इनको हम लोग नाम देते हैं इनपुट स्ट्रीम का। इसी तरह फिर हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम होती है, जो कि हमारे पास वो बाइट्स की वो स्ट्रीम होती है जो हम लोग किसी की तरफ भेज रहे होते हैं। यानी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होल्डिंग आउटपुट फॉर डाटा कंज्यूमर। अब हम लोग अगर किसी की तरफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को भेज रहे हैं तो वो जिसकी तरफ भेज रहे हैं वो उन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को इस्तेमाल करेगा। तो जो डिवाइस हमारी भेजी हुई सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को इस्तेमाल कर रही होती है उसको डाटा कंज्यूमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर या फाइल या प्रिंटर। प्रिंटर इस चीज की एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फाइल प्रिंट करनी है, मैं अपने कीबोर्ड से कमांड देता हूँ प्रिंट की, और उसके बाद वो फाइल जो है बाइट्स की सीक्वेंस की शक्ल में हमारे पास जाती है हमारे प्रिंटर के पास। यानी हमने सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को अपने पास से प्रिंटर के पास भेजा। तो ये जो प्रिंटर है ये हमारे पास डाटा को कंज्यूम कर रहा है और उसको इस्तेमाल करके हमें एक पेज पे प्रिंट करके दे रहा है, जबकि हम लोग ये आउटपुट स्ट्रीम की शक्ल में सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को भेज रहे हैं। तो जब कभी भी हम लोग सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को आउटपुट के तौर पर भेजते हैं तो उनको इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को नाम दिया जाता है आउटपुट स्ट्रीम का। हमारे पास ये जो दो हमने स्ट्रीम्स की टाइप्स पढ़ी, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, इनको हम लोग दो केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला केस है हमारे पास सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम। सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम से ये मुराद है कि अगर हम लोग इनपुट स्ट्रीम की बात करें तो जो हम लोग सीक्वेंस ऑफ बाइट्स रिसीव कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स किसी कैरेक्टर या किसी इंटीजर वैल्यू या किसी फ्लोट वैल्यू या किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये जो बाइट्स हम लोग रिसीव करें ये हमारे पास 1 कैरेक्टर एट अ टाइम हम लोग रिसीव करें। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल मौजूद है, यहां पर आप देखें कि हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट। अब अगर मैं जो हूं इस फाइल से रीड करना चाहता हूं जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और रीड में करना चाहता हूं सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम की मदद से, तो इस बात का ये मतलब होगा कि जब कभी भी मैं इस पे रीड की कमांड चलाऊंगा तो वो मेरे पास एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। यानी इसका सिंगल कैरेक्टर क्या होगा, टी। फिर अगली दफा चलाऊंगा तो क्या रीड होगा, अगला कैरेक्टर एच। फिर अगली दफा चलाऊंगा तो क्या रीड होगा, अगला कैरेक्टर आई।
और फिर अगली दफा एस, तो ये हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में ही आउटपुट भी कर सकते हैं, यानी मैं अपनी फाइल के ऊपर राइट करना चाहूं एक कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी अगर मैंने यही चीज प्रिंट करवानी थी तो इस चीज को मैं एक ही बारी में प्रिंट नहीं करवा सकता सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम की मदद से। अगर मैंने सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम को इस्तेमाल करना है तो पहले क्या होगा, टी को प्रिंट होगा, यानी मैं टी को आउटपुट करूंगा, फिर अगला कैरेक्टर एच आउटपुट करूंगा, फिर अगला करेक्टर आई, फिर अगला करेक्टर एस। यानी जिस तरह ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक एक की प्रेस करके इस पे आउटपुट कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में एक कैरेक्टर एक वक्त में या इनपुट होता है या आउटपुट होता है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रीम भी होती है। स्ट्रिंग स्ट्रीम से यह मुराद है कि अगर हम लोग इनपुट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इनपुट कर लें, या अगर आउटपुट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट कर दें। यानी अगर यहां पर हमारी टेक्स्ट फाइल में कोई एक रैंडम सेंटेंस लिखा हुआ था कि दिस इज अ रैंडम सेंटेंस, तो और मैं इसे रीड करना चाहता हूं, तो मैं एक ही बारी में इस पूरे सेंटेंस को रीड कर लूं, ये मेरे पास होती है स्ट्रिंग स्ट्रीम, क्योंकि मैंने एक पूरी स्ट्रीम को स्ट्रिंग की रीड कर लिया। इसी तरह अगर मैं आउटपुट करना चाहता था दिस इज अनदर रैंडम सेंटेंस, और मैं इसको आउटपुट करते हुए इसको पूरे सेंटेंस को एक ही दफा किसी स्ट्रिंग में सेव करवाऊं और एक ही बारी में आउटपुट कर दूं एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की शक्ल में, तो फिर इसको नाम दिया जाता है स्ट्रिंग स्ट्रीम का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रीम क्या होती है, फिर हमने उसकी दो टाइप्स देखी, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, और फिर हमने देखा कि ये दोनों हमारे पास किन दो मुख्तलिफ केसेस में काम करती हैं, यानी सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में काम करती हैं और स्ट्रिंग स्ट्रीम में काम करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।